हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। यह वीडियो आपके कमेंट पे है क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ने यह पूछा है, जिसमें राइम क्या होती है, व्हाट इज राइम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइम। इस पर वीडियो बनाने के लिए मैं ये टॉपिक लेके आज लेके आया हूँ। देखिए, इस टॉपिक को बनाने का उद्देश्य है कि मैं बहुत दिन पहले एक सोनेट का वीडियो डाला हुआ था, जिसमें बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कि सर उसमें राइम वाले चैप्टर को आप कवर करिए। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है जिसको लेके मैं आया हूँ कि व्हाट इज राइम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइम, और राइम जो होती है मैस्कुलिन और फेमिनिन, इसमें क्या होती है, इस चीज को हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं एक एक टॉपिक। पहले अगर बात करें व्हाट इज राइम, राइम स्कीम की तो बाद में चर्चा होगी, पहले हम राइम की बात करें कि स्कीम जो होती है वो तो लास्ट वाली रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है, उसको मैं बताऊंगा आपको। देखिए, द रिपीटेशन ऑफ साउंड इन और एट द एंड ऑफ वर्ड्स, यानी एक रिपीटेशन ऑफ साउंड जो किसी सेंटेंस के अंदर या एंड ऑफ द वर्ड सच एज सेल विल, यानी राइम वह होती है जो या तो किसी भीतर या अंत में शब्द के आए वह राइम कहती है। जैसे सेल ल ल, ये जो साउंड राइमिंग आ रही है इसकी लास्ट वाली जो प्रोनाउंसिएशन करने के बाद सेल ल विल ल, ये आ रहा है, इसको आप अगर देखेंगे तो यही आपकी राइम स्कीम कही जाती है। ठीक, इसमें देखिए, अब इसमें दो तरह की राइम होती है, इंटरनल राइम और एंड राइम। इंटरनल राइम यह होती है जो वर्ड बीच में आते हैं, जो बीच में किसी तरह से आते हैं विद इन ए लाइन, उसे हम इंटरनल राइम कहते हैं। बेसिकली राइम के कॉन्सेप्ट को समझें कि जैसे कि कोई वर्ड आप बोल रहे हैं, जैसे कैट हम कहें तो ट आया, मैट कहें तो मैट, ये देखो राइम कर रही है, मिल रही है, ट ट। अगर इसी तरह हम कहें हैव तो हैव आया, गेव, तो ये जो आ रहा है राइमिंग इंड वाली, ये हमारी राइम होती है। ठीक, इसी तरह का इंटरनल राइम होती है जो इन लाइन में आए तो उसे इंटरनल राइम, और लाइन के अंत में जो आए उसे इंड राइम कहते हैं। और यही इंड राइम जो होती है पोएट्री के पैटर्न में हम यूज करते हैं। द पैटर्न ऑफ इंड राइम इज इन ए पोएम कॉल्ड इज राइम स्कीम, और जो इन राइम के जो पैटर्न है किसी पोएम जब इसको यूज करते हैं उसे राइम स्कीम कहते हैं। हम इसके राइम स्कीम पे भी बात करेंगे कि राइम स्कीम क्या है, आइए हम डिटेल। हाँ, अगर इस राइम की बात करें एक्सटर्नल राइम, तो एक्सटर्नल राइम को ही हम इन राइम कहते हैं। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को देखें, जो अंत के जो वर्ड हैं वो राइमिंग करें। ठीक, तो इसके अंत वाले राइम को देखें, हार्ट है इसमें दिया गया है, इस वाले देखिए फर्स्ट किस्ड, ठीक ये राइम कर रहा है, मिथ जिस्ट। ठीक, इस वाले राइम को देखिए, इस तरह से एक्सटर्नल राइम को होती है जो बाहर की लाइनें अंदर से करती है राइमिंग, उसे कहते हैं। अब इंटरनल राइम को अगर देखें, जो विद इन अ लाइन, विद इन अ लाइन जो वर्ड राइम करते हैं, जैसे फर्स्ट ब्रस्ट, हर्ट, स्टार्ट, सो, स्लो, स्लीप, की, बीट, ठीक इस तरह के जो है, क्लॉक, स्टॉक्स, मीट, इस तरह की जो ये राइमिंग कर रहे हैं लाइन के अंदर में, इसे इंटरनल राइम कहते हैं। और जो लाइन के अंत में आएगा उसे हम इंड या एक्सटर्नल राइम कहते हैं। यह तो हो गया ये पैटर्न। जो इसे अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, राइमिंग स्कीम या राइमिंग पैटर्न से। यानी जो राइम अंत में की किसी कविता के अंत में जो वर्ड की राइमिंग होती है उसे राइम स्कीम कहा जाता है, राइम स्कीम या राइमिंग पैटर्न। जैसे अंत में कैसे, देयर वंस वॉज ए गर्ल ऑफ ट्रॉय, इसमें जो ट्रॉय है इसको राइमिंग ए मान लें, एनॉय को बी ले लेते हैं, मूज को बी, गूज को बी, देखिए ये जो मूज, गूज, ट्रॉय, एनॉय, अब इस तरह के जो राइमिंग स्कीम होती हैं इसको ए से शुरू करके बी बी सी 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 डी ऐसे करके, जैसे शेक्सपियर यूज करते हैं ए बी बी सी बी सी, ऐसे करके जो राइमिंग स्कीम चलती है वो यही है। ठीक, इसमें देखिए अगर लास्ट वाली लाइन को अगर बात करेंगे, हर सीलिंग ऑलवेज कैच बॉय, तो इसको सी नहीं लिखेंगे हम, क्यों सी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बॉय इसके पहले वाई आया हुआ है। अच्छा, इस वाली लाइन की राइमिंग जो पीछे वाली लाइन लाइम करेंगे उसके लिए वही इसलिए हम रखेंगे ए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमें समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसी तरह आगे चलेंगे तो हमें दो राइमिंग से और पाला पड़ता है, मैस्कुलिन राइम और फेमिनिन राइम, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैस्कुलिन राइम क्या है और फेमिनिन राइम क्या है। देखिए, अगर मैस्कुलिन राइम की बात करें, ए राइम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्टेट सिलेबल एज इन द राइमिंग बिटवीन कार एंड फार। देखिए, मैस्कुलिन राइमिंग वह होती है जो सिंगल
स्ट्रेस रहता है, सिलेबल रहता है। अब सिलेबल क्या है इसको समझने के लिए अगर हम लिखें, जैसे कैट, आप इसको एक बार हम बोल ले रहे हैं कैट, इसमें कोई डिवीजन नहीं है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक सिलेबल है, सिंगल सिलेबल है, तो ये मस्कुलिन हो गया। अब डबल सिलेबल कैसे हो जाएगा, हम जैसे हम कहें ब्यूटीफुल, ब्यू टी फुल, तो इसमें तीन सिलेबल आ गया, ब्यू टी फुल, यानी तीन सिलेबल, तो यह नहीं करेगा, यह फेमिनिंग में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मेस्कुलिन में तो अब आपका कैट हो गया, अब आगे देखते हैं फेमिनिन में। ए राइमिंग कंसिस्ट अ स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई अनस्ट्रेस सिलेबल इज द राइमिंग बिटवीन मदर एंड ब्रदर। हाँ, इसमें देखिए एक स्ट्रेस सिलेबल रहेगा और दूसरा अनस्ट्रेस सिलेबल रहेगा, तो फेमिनिंग राइम होती है। देखिए मदर मदर और ब्रदर, इसमें एक स्ट्रेस है और दूसरा अनस्ट्रेस है, तो यह आपका हो जाएगा फेमिनिंग राइम। ठीक, इस तरह से चैप्टर में मैंने आज आप लोग के सामने राइमिंग के कंसाइज और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की, जिसमें आप लोग को समझने में काफी सुविधा हो जाएगी कि राइम होती क्या है, कैसे लाइन बाय लाइन इसको राइम स्कीम पैटर्न बनाते हैं। ठीक, ये रहा आज का वीडियो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।